हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है, शुड वी टेक अ रिस्क टू एब्सकॉन्ड अ कंपनी। क्या हमें रिस्क लेना चाहिए कंपनीज एब्सकॉन्ड करने का? तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जब कैंडिडेट्स एब्सकॉन्ड करते हैं। उसमें से फर्स्ट रीज़न है सैलरी हाइक। अगर सपोज लो किसी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बीच बीच में वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उनको अच्छा पैकेज मिल गया, बट वहाँ पे इमीडिएट जॉइनर है, तो कितने लोग वो कंपनी अपनी प्रेजेंट कंपनी एब्सकॉन करके दूसरी कंपनी में चले जाते हैं जस्ट फॉर हाई। और कितने लोग बाकी लोग होते हैं जो एब्सकॉन करते हैं ड्यू टू देयर फैमिली इमरजेंसी, पर्सनल इमरजेंसी, मेडिकल रीजन, व्हाट सो एवर एक्स वाई जेड रीजंस। तो आज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, शुड वी टेक अ रिस्क टू एब्सकॉन अ कंपनी। तो गाइज, देयर आर पीपल जिन्होंने एब्सकॉन्ड किया हुआ है एंड दे हैव मैनेज टू गेट अ जॉब। बट गाइज, ये उस टाइम के लिए ठीक है, बट इफ़ यू सी इट इन अ लॉन्ग टर्म, इट इज़ नॉट एट ऑल गुड, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो गया है, अभी इतने फ्रॉड्स चल रहे हैं ना, फेक एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं इंडस्ट्री में, तो आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसके वजह से अभी चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं अभी कंपनी को। सो यस गाइस, अभी कंपनी जो है ना, अगर आपने एब्सकॉन्ड किया हुआ है, पहले इट वाज वेरी इजी कि एब्सकॉन्ड करके निकल जाओ, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो। कुछ कंपनीज पहले क्या होती थी, NSR नहीं होता था, कुछ कंपनी PF नहीं डिडक्ट करती थी। अभी क्या है, हर कंपनी NSR कराती है अपने कैंडिडेट्स का, अपने एम्प्लॉय का, और हर कंपनी PF डिडक्शन करती है, जिसकी वजह से कंपनीज, जिससे आपका एम्प्लॉयर है उसे पता चल जाता है आपके पास्ट के कंपनीज के बारे में। सपोज़ आपने अपने रिज्यूम में एब्सकॉन्डेड कंपनी नहीं डाली है, बिकॉज रिज्यूम अच्छी नहीं लगती है जब आप, जब अच्छा इम्प्रेशन नहीं देती है अगर आप एब्सकॉन्डेड कंपनीज में डाल रहे हो तो। सो गाइस, आप कभी भी कंपनी एब्सकॉन्ड करने का रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रिस्क है आपके करियर पे। क्योंकि अभी क्या हो गई है ना, अभी कंपनीज बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, अभी वो हर चीज़ चेक कर रही है। अगर आपने कोई भी डिटेल नहीं डिस्क्लोज किया रिज्यूमे में, आपका BVG वहाँ पे फेल हो गया है। इनके जो BVG टीम होती है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट, इनकी लॉयर्स होती है, अगर इन्होंने आपके BVG को रेड फ्लैग दे दिया, नॉट इवन द CEO ऑफ अ कंपनी आपको उस कंपनी में ले पाएगा, ये चीज़ है। तो गाइस, कीप योर कंपनीज वेरी नीट एंड वेरी क्लीन। एंड नाउ आई एम कमिंग टू दोज पीपल हु हैव एब्सकॉन्डेड द कंपनी, दैट्स ओके गाइस, आपने पास्ट में एब्सकॉन्ड किया हुआ है, मेक श्योर कि फ्यूचर में आप कोई कंपनी एब्सकॉन्ड ना करें। कोई भी XYZ रीज़न हो, प्लीज डू नॉट एब्सकॉन्ड द कंपनी, नॉन IT हो या IT हो। अगर आपने कंपनी एब्सकॉन्ड कर दिया है, आप अभी तक रिज्यूमे पे उसको शो करते नहीं आ रहे हो, फिर भी आपका सिलेक्शन हो रहा है कंपनीज में, सो गाइस इट्स हाई टाइम कि अब आप शो करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अभी चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं हायरिंग के टाइम। इनकी PVG टीम आपको झट से पकड़ लेगी, रेड फ्लैग दे देगी, एंड दे विल नॉट इवन थिंक ट्वाइस टू kick you out of the company। So आप प्लीज़ मैंशन करो रिज्यूमे में, जब HR का कॉल आए उन्हें बताओ क्या है, वो पूछेंगे कि इतना शॉर्ट टर्म क्यों क्या किया है। अगर आपके पास कोई कंपनी है जो आपने 1 साल बाद एब्सकॉन्ड किया है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप भले वो सामने से HR ना पूछे, आप खुद से वो चीज़ बोल दो और फिर आप जाओ इंटरव्यू के लिए। अगर आप चीज़ें हाइड कर रहे हो रिज्यूमे पे, अगर आप सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू के बाद, आपका BVG चीज़ें प्रोसेस हो रहा है, तो आप BVG टीम अगर आपको कॉल भी करती है चीज़ें क्लैरिफाई के लिए, अगर आप तब बताते हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क गाइस। बिफोर इंटरव्यू मेक श्योर, अगर आपने चीज़ें एब्सकॉन्ड की हैं तो आप बताओ HR को, एंड इफ़ शी इज़ ओके देन यू कैन गो अहेड विद द प्रोसीजर ऑफ इंटरव्यू। और प्लीज़ गाइस, आप ये मत सोचना कि कंपनी छोटी है, आई कैन टेक अ रिस्क टू एब्सकॉन्ड द कंपनी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है कंपनी एब्सकॉन्ड करके निकल जाना जब तक आप प्रॉपर रीजनिंग नहीं दे रहे हो। और आजकल तो मास ले ऑफ चल रहा है ड्यू टू रिसेशन, तो कंपनी को एक बहाना चाहिए कि किसे निकालें। ऐसा नहीं है कि वो हाई पैकेज को निकालते हैं, वो सबसे पहले उनको निकालते हैं जो फेक एक्सपीरियंसेस दे के कंपनी में आए हैं, उनको निकालते हैं जो कंपनी एब्सकॉन्ड की है,
अलग अलग रीज़न देके अलग अलग चीज़ें से ले ऑफ होता है, और ये जो रिसेशन का पीरियड ना वो दिखता नहीं है किसी को, बहुत स्लो 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 करके चलता है, वैसे होता है। सो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, कभी भी रिस्क मत लेना आप लोग कि आप कंपनी एब्सकॉन्ड करो, आपका करियर चौपट हो जाएगा। इट विल आपके जो करियर ग्रोथ है ना, और किसी कंपनी से टर्मिनेट होना इट्स अ वेरी बिग थिंग गाइस। सो प्लीज़ स्टॉप एब्सकॉन्डिंग अ कंपनी। इवन इफ यू हैव एब्सकॉन्डेड अ कंपनी, प्लीज मेंशन इट इज इन अ रिज्यूमे इन अ वेरी नाइस वे, एंड वाइल बिफोर द इंटरव्यू ऑल्सो टेल योर HR who will call you for the interview procedure and all after your profile is shortlisted. Tell her about the absconded company, the documents which you don't have. It is very important. पहले कुछ और था, अभी recession चल रहा है, competition बहुत है और नहीं ले रही है companies absconded company है। मैं पहले ले लेती थी सोच के, अब नहीं लेती है। So guys, please stop absconding the company. और अभी मैं वीडियोस लेके आऊँगी उसके ऊपर कि अगर किसी ने कंपनी एब्सकॉन्ड कर लिया है, हाउ टू फील दोज थिंग्स। सो गाइस, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत छोटी छोटी और बारीकियाँ आपको समझाऊँगी वीडियोस के फॉर्म में लेके आऊँगी आपके सामने, जो भले बहुत छोटी हों बट इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए, आपके करेंट ग्रोथ के लिए। सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।